Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी। इसके सिद्धांत खाने के अलग दिखाने के अलग। कांग्रेस देश भर में ढिंढोरा पीटती है महंगाई का और अपने राज्यों में जैसे कर्नाटका हो गया, जैसे हिमाचल हो गया, वहां पर कमर तोड़ महंगाई बढ़ाने के लिए आम आदमी को, कॉमन मैन, मिडिल क्लास और किसान को कुचलने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देती है। आज जिस प्रकार से कर्नाटका में दाम बढ़ाए गए हैं, ये दिखाता है कि कर्नाटका की ट्रेजरी को, जो हमने सरकार जब छोड़ी थी फुल करके छोड़ा था, उन्होंने अपनी क्रैकपॉट स्कीम में सारे पैसे बर्बाद कर दिए, क्योंकि कर्नाटका की तिजोरियाँ खाली कर दी लूट कर। इसीलिए अब किसान पर, मिडिल क्लास पर, कॉमन मैन पर बोझ डाला जा रहा है। और केवल पेट्रोल का ही नहीं, कर्नाटका में इलेक्ट्रिसिटी का दाम, दूध का दाम, बहुत सारी चीज़ों का दाम लगातार कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया है, हिमाचल में भी बढ़ाया है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं इंडी अलायंस के उनके तमाम जो साथी है उनसे, कि जब वो महंगाई की बात करते थे, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पेट्रोल डीजल पर दो दो बार एक्साइज ड्यूटी काटी, सिलेंडर के दाम काटे, और दूसरी तरफ कभी कांग्रेस कर्नाटका में, कभी हिमाचल में जिजिया टैक्स लगाती है कॉमन मैन पर, तो उसके ऊपर आज ये लोग खामोश क्यों हैं, शांत क्यों हैं? आज सड़कों पर वो क्यों नहीं आए? कर्नाटका की बीजेपी तो सड़कों पर है कॉमन मैन के साथ, मिडिल क्लास के साथ, परंतु ये इंडिया अलायंस वाले कहाँ गायब हो गए? इसके सिद्धांत खाने के अलग दिखाने के अलग। कांग्रेस देश भर में ढिंढोरा पीटती है महंगाई का और अपने राज्यों में जैसे कर्नाटका हो गया, जैसे हिमाचल हो गया, वहाँ पर कमर तोड़ महंगाई बढ़ाने के लिए आम आदमी को, कॉमन मैन, मिडिल क्लास और किसान को कुचलने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देती है। आज जिस प्रकार से कर्नाटका में दाम बढ़ाए गए हैं, ये दिखाता है कि कर्नाटका की ट्रेजरी को, जो हमने सरकार जब छोड़ी थी फुल करके छोड़ा था, उन्होंने अपनी क्रैकपॉट स्कीम में सारे पैसे बर्बाद कर दिए, क्योंकि कर्नाटका की तिजोरियाँ खाली कर दी लूट कर। इसीलिए अब किसान पर, मिडिल क्लास पर, कॉमन मैन पर बोझ डाला जा रहा है। और केवल पेट्रोल का ही नहीं, कर्नाटका में इलेक्ट्रिसिटी का दाम, दूध का दाम, बहुत सारी चीज़ों का दाम लगातार कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया है, हिमाचल में भी बढ़ाया है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं इंडी अलायंस के उनके तमाम जो साथी है उनसे, कि जब वो महंगाई की बात करते थे, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पेट्रोल डीजल पर दो दो बार एक्साइज ड्यूटी काटी, सिलेंडर के दाम काटे, और दूसरी तरफ कभी कांग्रेस कर्नाटका में, कभी हिमाचल में जिजिया टैक्स लगाती है कॉमन मैन पर, तो उसके ऊपर आज ये लोग खामोश क्यों हैं, शांत क्यों हैं? आज सड़कों पर वो क्यों नहीं आए? कर्नाटका की बीजेपी तो सड़कों पर है कॉमन मैन के साथ, मिडिल क्लास के साथ, परंतु ये इंडिया अलायंस वाले कहाँ गायब हो गए?